आइए एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ कॉपर के बारे में, ये सारा लिखा हुआ है। कैसे कॉपर आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है और ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ग्राउंड स्टेट में, लेकिन हम एक्साइट करवा के इसका क्या कर देते थे 3D10 4S1 कर देते हैं। ये जनरल स्केल पर ये एक्साइटेड स्टेट है और ये क्या थी, ये इसकी ग्राउंड स्टेट थी। बट जब ये आयन की फॉर्म में जाता है तो क्या होता है, इसकी प्लस टू ज़्यादा स्टेबल होती है। कब प्लस टू ज़्यादा स्टेबल होती है, कब प्लस वन होती है, ये बात ध्यान रखनी है। जब अपने पास वाटर होता है, इन वाटर, वाटर की जब मैं बात करूँगा, वाटर में क्या होगा, प्लस वन से प्लस टू ज़्यादा स्टेबल होगा, वहाँ पर 3D9 है, बेशक 3D9 हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करने लग जाती है और हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करने की वजह से एक्वस में जाते ही प्लस वन है क्या करना शुरू हो जाएगा, प्लस टू और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे बोला जाता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या है, कॉपर प्लस वन से प्लस टू इसी का ऑक्सीडेशन और प्लस वन से जीरो उसी का रिडक्शन, सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो, सेम रेड्यूस हो, उसे बोला जाता है डिसप्रोपोर्शनेशन। अगर इस रिएक्शन को मैं पलट दूं, इससे ये बनाना चाहूं, इसे बोला जाता कोन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। लेकिन कोन डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं पूछी जाती, आपसे प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पूछी जाती है। वाटर में जाने के बाद ये ऐसे लफड़े करता है, वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, वहाँ हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करनी शुरू कर देती है। तो फिर हम 3D9 बना लेते हैं, प्लस टू बना लेते हैं, एक कॉपर प्लस टू बन जाएगा और एक कॉपर सिंपल कॉपर सॉलिड फॉर्म में वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। इन वाटर स्टेबिलिटी देखेंगे, प्लस टू कॉपर प्लस टू ज़्यादा स्टेबल होगा कॉपर प्लस वन की बजाय। और अगर आयोडाइड आ जाए, यानी कि विदाउट वाटर, वाटर ना हो, वाटर के अलावा अगर हम रिएक्शन करवाएं तो क्या होता है, प्लस टू एक आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा, आयोडीन माइनस वन है, आई माइनस, इसके साथ रिएक्ट करेगा और प्लस वन ही बनाएगा, क्योंकि प्लस वन होते ही उसकी 3D10 हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर कॉपर की क्या होती है जी, 4s2 3d9 हो जाती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप करवा दूं, 4s1 3d10 हो जाती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से लूज करवा दूं, यानी कॉपर प्लस वन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d10 4s क्या 0। ये कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट करती है, ये मोर स्टेबल होती है, d10 कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ d10 नहीं होगी क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करेगी जब वाटर आएगा। जब वाटर नहीं आएगा, वाटर के अलावा कुछ भी आए, मोस्ट ऑफ द केसेस में आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जब आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, CuI और फिर ये दो रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, Cu2I2 की फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ प्लस वन में कॉपर प्लस वन में एग्जिस्ट करता है और कॉपर अगर प्लस वन में एग्जिस्ट करता है तो क्या करेगा, 3D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। स्टेबिलिटी फुली फिल्ड है, D10 है, ये विदाउट वाटर Cu प्लस वन ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि D10 है, और इन वाटर प्लस टू ज़्यादा स्टेबल है प्लस वन से, क्यों, यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे क्योंकि वाटर तो है नहीं, हाइड्रेशन एनर्जी का कोई रोल नहीं है। अब आप क्या करेंगे, अब शाम को इसके बाद आप प्रीवियस ईयर पर जितना फोकस कर सके, जितना रात तक पढ़ सके, प्रीवियस ईयर पढ़े आप पूरे, सुबह उठें, सुबह थोड़ा जल्दी उठें क्योंकि कल पेपर है, कल के बाद आप रिलैक्स महसूस करेंगे थोड़ा सा, कल उठते ही पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन रिवाइज करेंगे। कल सुबह उठ के अगर आप प्रीवियस ईयर रिवाइज कर रहे हैं तो ये मूर्खता होगी, एक आध प्रीवियस ईयर जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो रिवाइज कर सकते हैं। सुबह उठते ही पूरी थ्योरी रिवाइज हो जानी चाहिए 10 के 10 चैप्टर की, और वो हो जाएगी। फॉर्मूले हैं वो आप अलग से लिख के देखेंगे, या फिर जहाँ लिखे हुए, जहाँ चार्ट बना रखा आपने, एक एक बार जल्दी जल्दी उन्हें स्कैन कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, मिलते हैं एग्जाम के बाद।